So friends, this is our new gaming laptop, Acer Nitro 5, 11th generation, 2021 model. और इसकी आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं. तो ये प्रोडक्ट हमने मंगवाया था और इसके प्रोडक्ट की डिलीवरी केवल एक दिन में हो गई. सो थैंक्स टू कंप्यूटर प्लेनेट अनिकेत. सो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है और इसके कॉन्फ़िगरेशन क्या है. तो इसके अगर हम पैकेट पर नज़र डालें, जो बाहर का पैकेट है, तो इसमें इसकी काफ़ी कुछ जानकारी दी गई है. तो इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे भी मेंशन बाहर किया गया है. 15 इंच, 256 GB SSD, उसके बाद 1 TB हार्ड डिस्क, 4 GB RTX 3050 का ग्राफिक्स कार्ड और 16 GB की इसमें रैम है. चलिए इसको खोल के देखते हैं अंदर. तो ये एक गेमिंग लैपटॉप है. गेमिंग लैपटॉप की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई एंड होता है. तो इसके अंदर क्या निकल के आता है, ये है एक्चुअल बॉक्स, जो कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसमें आपको कुछ गेम्स के शेडोज भी दिख रही होंगे. तो इससे पता चल जाता है कि ये एक गेमिंग लैपटॉप है, नाइट्रो 5 फ्रॉम एसर और इंटेल इनसाइड. तो देखते हैं खोल के. प्रॉपर पैकिंग कर रखी है जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कहीं भी इसमें कोई क्रैक ना आए और अच्छे से इसको पैक किया गया है. इसके साथ ये है इसका लिटरेचर, इसको बाद में देखेंगे. और ये देखिए प्रॉपर पैकिंग के साथ ये है लैपटॉप और ये है इसका अडैप्टर बॉक्स. बहुत अच्छे से पैकिंग की गई है. अडैप्टर बॉक्स में इसका नॉर्मल अडैप्टर है, चार्जिंग केबल इतना ही इसमें. अब इसको खोलते हैं. बढ़िया से पैक किया गया है. रिसाइकल मटेरियल से बनाया गया इसका एक कवर. और ये देखिए, ये है एसर नाइट्रो 5 ब्लैक ब्यूटी. नीचे से देखें इसे, तो ये इसमें इसके वेंट्स हैं और ये इसको जो गेमिंग लुक देता हुआ इसका एक एक्स फैक्टर लुक है. और पीछे इसका यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है. लैपटॉप के साथ हमको कनेक्टिविटी ऑप्शंस क्या मिल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है. तो कई लैपटॉप्स में आजकल RJ45 पोर्ट नहीं दिया रहता है, इसमें हमको RJ45 पोर्ट दिया हुआ है. दो USB पोर्ट है, एक हेडफोन पोर्ट है और साइड में भी वेंट्स हैं, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है, ज़्यादा गर्म हो जाता है गेम खेलते हुए, तो उसके लिए यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है. और साइड में भी यहाँ पे वेंट्स हैं और ये एक HDMI पोर्ट और यहाँ पे एक USB पोर्ट और एक स्मॉल USB पोर्ट दिया गया है. तो ये एक गेमिंग लैपटॉप है. इसको ओपन करके देखते हैं. यहाँ पे भी इसका कीबोर्ड कवर किया गया है, इस कवर को भी हम हटाते हैं. तो ये देखिए जो इसकी पहली लुक. तो गेमिंग में आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाले कीज़ ये चार होते हैं और इधर आपके एरो कीज़, तो उनको एक स्पेशली वाइट कवरिंग देके उनको रखा है, इधर भी एरो कीज़ में भी. और ये जो नाइट्रो सीरीज़ है उसके लिए एक स्पेशल नाइट्रो बटन बनाया गया है, जिससे कि हम इसके जो फीचर्स हैं उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं. यहाँ पर इसका पावर बटन है और लुक बहुत बढ़िया है. थोड़ा हैवी है लेकिन अच्छा है. इसके जो फीचर्स हैं आप यहाँ सब देख सकते हैं, काफ़ी हाई एंड इसमें फ़ीचर्स हैं. तो हाई एंड फीचर्स होने का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो लैपटॉप है वो लंबे समय तक चल सकता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती. हार्ड डिस्क के मामले में 1 TB की हार्ड डिस्क है, ग्राफिक्स अच्छे हैं और गेमिंग लैपटॉप है.
और इसमें एक फ़ायदा और है कि इसको हम फ्यूचर में अपग्रेड भी कर सकते हैं। इसमें एक SSD पोर्ट और है अंदर, जिससे हम भविष्य में अगर हमको SSD हार्ड डिस्क इसमें लगानी हो तो वो भी लगाई जा सकती है। और एक रैम का पोर्ट इसमें और दिया गया है, जिससे कि हम 16 GB को 32 GB तक एक्सपेंड भी कर सकते हैं। बाकी फीचर्स हैं, हम सबसे पहले देखते हैं इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो इसके ऑन होते ही आपको कीबोर्ड पे दिखाई देगा, जो कि है इसका RGB लाइट्स। सो इसको स्टार्ट करते हैं, ये देखिए एक बीम ऑफ लाइट्स आई, जो एक लेफ्ट से राइट की ओर गई, तो उससे ये स्टार्ट हुआ। और देखिए कितनी जल्दी ये बूट हो गया है, क्योंकि हार्ड डिस्क SSD है, SSD हार्ड डिस्क में इसका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर है, और जो बाकी हम डेटा स्टोर करेंगे वो 1 TB हार्ड डिस्क का नॉर्मल जो स्टोरेज है उसमें करेंगे। तो SSD होने की वजह से प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है, और 16 GB की रैम होने की वजह से आपका जो सिस्टम है बहुत जल्दी बूट होता है, और 30 सेकेंड्स के बाद आपका ये जो RGB है वो बंद हो जाता है। और जैसे आप इसको वापस किसी एक बटन को टच करते हैं तो RGB कलर स्कीम वापस एक्टिवेट हो जाती है। नाइट्रो बटन से इसके हम जो नाइट्रो फीचर्स हैं उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इसका जो डिस्प्ले है, और ये जो है इसके जो नाइट्रो फीचर्स हैं, स्पेशल फीचर्स हैं, उनके लिए ये यहाँ पे कस्टमाइजेबल स्क्रीन आ गई है। तो इसमें हमें कई जानकारियाँ मिल जाती हैं, और हम इसमें फैन स्पीड और ख़ासकर ये जो अपने कलर कोडिंग स्कीम है, जो बैकलाइट कलर्स हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे देखिए तो यहाँ पे फुल HD है, और इसका जो एक लुक है यहाँ पे, जो स्क्रीन का लुक आप देख रहे हैं, सीधा ना होके यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कर्व दिया हुआ है, और वेट इसका काफ़ी अच्छा है, वेटेड है। तो इस लैपटॉप को हमने अभी ऑर्डर किया है, एक दिन में इसकी डिलीवरी मिली, तो ये अभी हमको पड़ा है 75,000 का रानीखेत में। तो इसके इससे पहले मेरे पास जो मॉडल था वो मैंने 12 साल पहले लिया था, जब मेरी फर्स्ट टाइम जॉब लगी थी, उस टाइम पे जो मैंने मॉडल लिया था वो उस टाइम का काफ़ी हाई एंड सिस्टम था, दैट वाज डेल स्टूडियो 15। उस टाइम पे वो मॉडल मुझे पड़ा था 50,000 का, और 12 साल मैंने उसको यूज़ किया। तो 12 साल यूज़ करने के बाद अब उसमें काफ़ी कुछ स्पीड प्रॉब्लम्स भी आने लगी थी, उसको मैंने हार्ड डिस्क भी अपग्रेड करी, लेकिन जब वो फिजिकली डैमेज होने लगा तो उसके बाद मुझे लगा कि कोई एक अच्छा लैपटॉप चाहिए जिससे कि हम अपने आगे के काम कर सकें। तो इस गेमिंग लैपटॉप को लेने से फ़ायदा ये है कि ये हमें लंबा सपोर्ट दे सकता है, और इसको हम भविष्य में अगर जब ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी ओल्ड भी हो जाएगी तब भी हम इसमें रैम और हार्ड डिस्क एड ऑन करके इसकी स्पीड में थोड़ा सा और सुधार कर सकते हैं। तो गेमिंग लैपटॉप लेने का सबसे बड़ा मोटिव यही था, क्योंकि मेरा जो मेन काम है वो प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग, यही काम मोस्टली रहता है। गेमिंग का उतना शौक नहीं है, लेकिन फिर भी पहले हुआ करता था, लेकिन अब उतना टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी हम इसमें कुछ गेमिंग लैपटॉप लिया है तो थोड़ा बहुत गेम खेलेंगे, लेकिन मेन इसका जो यूज़ है वो प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए होगा, और स्टूडेंट्स के लिए इसमें जब हम सपोर्ट मटेरियल डेवलप करते हैं उसके लिए इसको हम यूज़ करेंगे। तो इसके साथ जो विंडोज़ का वर्जन आया था वो था होम बेसिक विंडोज़ 10, लेकिन मुझे जो है होम बेसिक में कुछ फीचर्स विंडोज़ के नहीं हो पाते, तो इसके लिए मैंने इसको होम बेसिक से प्रोफेशनल में अपग्रेड करवाया था। तो हमारे भुवन पांडे जी ने इसमें हमको सहयोग दिया, और मैं उनका फिर से शुक्रगुजार हूँ कि कंप्यूटर प्लानेट का, कि उन्होंने आते ही इसकी जो विंडोज़ होम बेसिक थी उसको बहुत नॉमिनल रेट्स में विंडोज़ प्रोफेशनल में अपग्रेड किया, और 11 विंडोज़ 11 में ये ऑटो अपग्रेडेबल है, तो जब हम इसको अपडेट पे लगाएंगे तो ये अपने आप जो है विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 में अपग्रेड हो जाएगी। बाकी इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, और कुल मिला के देखा जाए तो 75,000 जो हमने इसमें इन्वेस्ट किए वो वर्थ है। ऐसा नहीं है कि 75,000 लगाने के बाद हमको निराशा हाथ लगी, ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। और लैपटॉप भी मैंने देखे, लेकिन गेमिंग लैपटॉप लेने की मेन वजह वही मैंने आपको जो बताई कि इसका हाई एंड जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है, और सबसे बड़ी बात कि ये एक्सपेंडेबल है, बाद में प्रॉब्लम ये होती है कि धीरे धीरे सिस्टम स्लो होने लगता है, तो इस
सिस्टम को हम बाद में भविष्य में भी अपग्रेड कर सकते हैं, तो इसके लिए ये बहुत फायदेमंद है। अभी इसमें ज़्यादा सॉफ्टवेयर डले नहीं है, इसमें केवल विंडोज़ है और एमएस ऑफिस इसमें नहीं आया था, तो एमएस ऑफिस हम इसमें परचेज करके डालेंगे। और बाकी जो हमारे डेवलपमेंट के सॉफ्टवेयर हैं जैसे विजुअल स्टूडियो जिसमें मैं सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूँ, तो वो भी हम इसमें डालेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसी इसकी परफॉर्मेंस है, क्योंकि लेटेस्ट मॉडल है तो परफॉर्मेंस में ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन हम इसमें जब डेवलपमेंट का काम करेंगे और वेबसाइट्स और विंडोज एप्लीकेशन डेवलप करके देखेंगे तो पता चलेगा कि इसकी स्पीड और डेवलपमेंट में कितनी हमें लिए हेल्पफुल होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस अनबॉक्सिंग एंड इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ दिस नाइट्रो सीरीज। इसके अलावा भी मैंने कई सारे मॉडल्स देखे, बट नाइट्रो सीरीज में इसका जो हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन है और इंटेल पेंटियम 5 का जो प्रोसेसर i5 प्रोसेसर है, तो उसकी वजह से ये मैंने लिया। इसके अलावा मैंने HP पेविलियन भी देखा था, लेकिन ये सीरीज मुझे अच्छी लगी। इसकी रैम भी काफ़ी अच्छी है और हार्ड डिस्क कॉन्फ़िगरेशन भी इसमें हमको एक्सपेंडेबल मिलता है, और ओवरऑल लुक्स भी इसकी काफ़ी अच्छी है, जो कि गेमिंग के साथ साथ एक स्लीक प्रोफेशनल लुक भी देती हैं। बहुत ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन यूज़ नहीं किए गए, तो ये एक प्रोफेशनल लैपटॉप भी लगता है और एक एक्स लुक होने की वजह से ये आपको गेमिंग का लुक भी देता है। तो गेमिंग लैपटॉप आ गया है, तो कुछ गेम्स भी हम खेल के देखेंगे इसमें, और बाकी इसका जो मेन काम है वो स्टूडेंट्स के लिए सपोर्ट मटेरियल डेवलप करना और अपने लिए और बच्चों के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना ही रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई डाउट्स हों और कोई क्वेरीज हों इस प्रोडक्ट के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।